क्या कर रही है तू? इसकी ओए इसकी तो गमला तोड़ दिया बेटा, तू सुबह कूटेगी इसकी। ये क्या कर रही है? ये पूरा गमला तोड़ दिया इसने। ये क्या किए, क्या किए? बहुत ज़्यादा पिटेगी आज ये मम्मी से। मैं यहाँ एडिटिंग कर रहा था, उतनी देर में तूने क्या खोदने लग गई वहाँ पे जाके, मेरे को उतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। अब साला इसकी वजह से मेरे को सुनना पड़ेगा कि तूने दरवाज़ा बंद क्यों नहीं किया था। मैं सोच रहा हूँ चुपचाप, अभी तो सुबह की सुबह देखेंगे उसकी। अब इसका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, अब थोड़ी देरों बाद नई कोटिंग आएगी। तो मैं छत में ले आया काम करने के लिए, नीचे होता ना तो पूरे बाल बाल फैल जाते घर पे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो पहले दिन की शुरुआत हो रही है इसकी को काम करके। लोगों ने बैक साइड में एक अनार का पेड़ लगाया था, तो वहाँ पे मम्मी कह रही अनार होंगे दो बड़े बड़े, तोड़ के लिया। अभी ऊपर एरोप्लेन जा रहा है तो काफ़ी नॉइस आ रहा होगा। वो इधर तो बहुत सारे अनार लगे हैं, एक ये तो खैर छोटा है, अभी एक ही है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। मेरे को पता नहीं ये पका हुआ है ऐसे ही हरा रहेगा। ये अरे वो ऊपर दिख रहा है, यही रहा, और एक वो ऊपर, काफ़ी सारे अनार लग गए यार। सही है, सही है। और ये देखो, ये हमारी छोटी सी गली है, इसमें हम लोगों ने लगा रखा है बैक साइड में। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, गमले में लगाते हैं, जैसे ही अनार थोड़ा बड़ा होता है तो यहाँ पे आके ऐसी खाली जगह पे लगा देते हैं। तो ये वाले तोड़ देता हूँ, ये वाले पके हुए लग रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पहुँचूंगा कैसे वहाँ पे, रास्ता बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो बेल वेल खूब रखिए, ये तीन तोड़े मैंने। अरे यार ये मेरे से गिर के फट भी गया, दरवाजा बंद करा था उसी टाइम हाथ से छूटा और ये एकदम ही खुल गया है। और ये पके होंगे या नहीं होंगे पता नहीं। गार्डन के अनार, ये मैं वो अनार तोड़ के लाया, लेकिन पका हुआ तो लग रहा है ना। अरे वाह यार, दाने इसके बड़े लग रहे हैं, बस पक तो गया ही हल्का हल्का। खाना भाई किसी को अनार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो इसलिए मैं जल्दी नहा धो के तैयार भी हो गया हूँ। वैसे तो ये ब्लॉग थोड़ा लेट में आएगा, लेकिन जब भी आएगा आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज़ मैंने आपको अभी कभी अपने घर पर दिखाया नहीं, फिश टैंक हमारा ये थोड़ा गंदा हो गया, इसका पानी वानी साफ करना है। लेकिन इसमें काफ़ी सारी गोल्ड फिश बोलते हैं मेरे ख्याल से वो है। तो भी करिए पूजा और इसकी। विस्की और बैठ गई, यहाँ बैठ जाए उधर आ जा। पूजा वूजा हो गई है, शंख भी बजा दिया, टीका भी लग गया है, अब क्या बचा है प्रशांत? मतलब पूजा तो हो गई, पेट पूजा भी कर लेते हैं। मेरा आज फास्ट नहीं है क्योंकि दिन में हम लोग बाहर जाने वाले हैं, तो दीपा ने दिन की दाल अभी से बना दी है और चावल उसी टाइम बनेंगे। तो की भी मम्मी घर पे ही बनाती है। अभी ये देखो मक्खन रखा होगा पूरा, ये मक्खन है, अभी इसको थोड़ी देर गर्म करके घी बनेगा। और कहना कि गाँव भी जाते तो गाँव से भी इतना ज़्यादा घी वगैरह मिल जाता है कि अभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती बाहर से लाने की। आज करीबन दो हफ्ते बाद हमारे घर पे लेबर आई है। बीच में क्या था, हम लोगों ने रेनोवेशन काम रोक दिया था क्योंकि दीवारों में जो पुट्टी वगैरह होती है सूख नहीं रही थी। तो हमने कहा तब तक आप ब्रेक कर लो, कहीं और काम कर लो। आज लेबर आई तो मैं चाय वगैरह देने जा रहा हूँ उन लोगों को। हम लोग हैं अभी द्वार के सेक्टर 10 में और आए हैं डिकैथलॉन, कुछ परचेसिंग करना था। हमारी जो नेक्स्ट ट्रिप है, टेंट लेना है मेरे को ना, एक 2% वाला 3% वाला देखो, बट अभी 1999 का चल रहा है 2%, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। मतलब मन है मेरा फुली वाला टेंट लेने का, लेकिन अभी देखते हैं ट्रिप के हिसाब से। 3 लोगों वाला है, बड़ी अच्छे कि जो 2 लोग आ गए ना इसमें, 2 लोग आराम से लेट जाएंगे और साइड में सामान आ जाएगा। हाँ तो वो है, ये देखो ये वाला देखो टेंट। तो हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी उसकी क्या क्या खरीदना है हमें, और उससे पहले एक बैग पैक खरीदना छोटा वाला, वैसे मेरे पास है ऑलरेडी। एक दीपा के लिए भी खरीद रहे हैं कि कई बार छोटी छोटी ट्रिप पे जाते हैं डे ट्रिप पे, तो दोनों के पास एक छोटे बैग पैक रहेंगे तो सही रहेगा। तो मैं दीपा के लिए ले रहा था कि ये कैरी कर सके। एक ना लॉन्ग ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे एक रेजिस्टेंट बेंच चाहिए ताकि थोड़ी बहुत मेरी एक्सरसाइज हो सके, क्योंकि वहाँ पे मुझे वेट लिफ्टिंग करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं एक ढूंढ रहा हूँ कि अच्छा सा कोई रेजिस्टेंट बैंड जिसमें मैं ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, देखो इसका देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 35 kg, 77 lbs और 45 kg तक का, ये मतलब आप रेजिस्टेंट करोगे तो आपको ये 45 kg, जैसे आप 45 kg उठा रहे हो, और उसके हिसाब से रेट भी है 9999 और 1200। वैसा वाला इफेक्ट तो नहीं आता जो वेट ट्रेनिंग में करते हैं, लेकिन एक सही रहता है मसल्स की मूवमेंट वगैरह के लिए।
ये तो तुम ऐसे लग रहा था नहीं क्या, एक हैंडपंप में से पानी निकाल रही हूँ। ज़्यादा मत करो, हाथ में दर्द हो जाएगा फिर कल। तो इसमें तीन है, लाइट, मीडियम एंड हार्ड। तो मैंने मीडियम वाला ले लिया, सही है। ये ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही लाइट था और ये कुछ थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड है। एक्यूप्रेशर आता होगा पाँव में आराम से, इसमें दाने दाने से निकले ना। अच्छा एक्यूप्रेशर आता होगा इसमें, है बढ़िया चीज़ है। इसमें कितने का ये? 1300 रुपये का। जो मैंने मीडियम वाला लिया है वो 700 रुपये का है। मेरे को ही पेलना है। 6999 मतलब 700 रुपये में क्या बढ़िया चीज़ मिल रही है। उसमें एक चीज़ में, अगर ये हुडी वाला होता ना तो मैं ले जाता अभी कभी इसे खरीद के। बहुत सॉफ्ट चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। मतलब 700 रुपये में ये मिलेगा नहीं मुझे बाहर कहीं भी। सबसे सस्ता मेरे को 259 वाला लग रहा है यहाँ पे। ये ले लो फिर, कोई भी ले लो, रेड ले लो। और कॉक कितनी रखें? 50 रुपये ये कॉक है। भैया इतनी ठंड में भी नहीं जा रहे हम लोग। है इसमें पॉकेट सही है? लंबी पॉकेट नहीं, छोटी पॉकेट है ना। मैं वो देख रहा हूँ इसमें लंबी पॉकेट होगी ना वो ज़्यादा सही है। फ़ोन वगैरह आ जाते हैं ना आराम से। ये वुमेंस की है ना तो? हाँ वुमेंस है। आज भी देख लो इसी के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो हुआ क्या, मैं मुझे लगा ये दीपा उठा के लाएगी, दीपा को लगा मैं लेके आऊँगा और वहीं रह गया और हम लोग आगे निकल आए। कौन सी लड्डू बोलते हैं इसको? मेरे को भी देना है, मेरे को बहुत पसंद है। दीपा का फास्ट था तो उसने लड्डू ले लिए खाने के लिए। काफ़ी देर से घूम रहे थे हम लोग तो भूख लग गई इसको। घर पे रहते ना तो इतनी भूख नहीं लगती, बाहर रहते ज़्यादा भूख लगने लग जाती है घूमते घूमते। मेरे को भी काफ़ी भूख लग रही थी, नहीं ऐसी बहाने मेरे को मिल जाए। खतरनाक हो गया। सो गाइस आज की शॉपिंग हो गई हमारी डन डिकैथलॉन से। यहाँ पे नीचे एक स्टोर है तो वहाँ से मिठाई वगैरह खरीदी घर के लिए शाम को, क्योंकि फास्ट है मम्मी का और दीपा का। तो शाम को मिठाई वगैरह खाएंगे पूजा के बाद। जा रहे हैं गाइस, अब कुछ काम तो है नहीं, अब डायरेक्ट जाएंगे घर पे। मैं फिर आपसे बात करता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग करी है आज डिकैथलॉन से। बाकी तो देखो मिठाई विठाई खरीदी है तो वो तो क्या ही बताना, लेकिन डिकैथलॉन से हम लोगों ने क्या खरीदा वो जरूर बताऊंगा आपको। बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग करी हमने आज। चलो बाय। आज मेरी शॉपिंग आप मुझे नहीं बोल सकते। अच्छा हाँ, आज मेन शॉपिंग मेरी हुई है। अभी अगर मेरी एक भी चीज ले लेते ना उन दोनों में से तब आप जरूर बोलते, इसलिए तो सबसे महंगा। Okay, so हम लोग पहुंच गए घर और ये डिकैथलॉन का तिलस्मी बैग जिसमें से निकलेगा हमारा पूरा सामान जो हम लोग खरीद के लेके आए हैं। वैसे तो देखने में काफी छोटा सा लग रहा है बट इसमें से अभी आप सामान देखोगे ना तो पता चलेगा कि आपको क्या क्या निकल रहा है इसमें से। आधी चीजें तो निकाल दी ना। हाँ मैंने कुछ चीजें बाहर निकाल दी। पहली चीज है और मेरे ख्याल से सबसे एक्सपेंसिव चीज आज की, वो है ट्रैकिंग पैंट। मेरे पास एक ही ट्रैकिंग पैंट है तो कई बार क्या होता है कि गंदी हो जाती है या फिर धोने को डाल रखी होती है तो दूसरी ट्रैकिंग पैंट होती नहीं थी मेरे पास, तो मैंने एक और ट्रैकिंग पैंट ले ली है। मैं हमेशा एक चीज ध्यान रखता हूँ ट्रैकिंग पैंट लेते हुए कि हमेशा उसमें अच्छी खासी पॉकेट होता है, मोबाइल वॉलेट वगैरह आराम से आ जाए और कुछ और छोटी मोटी चीजें होती है। मेरे को 1500 की पड़ी है तो ये वो ट्रैकिंग पैंट जो आज मैंने खरीदी है। थोड़ा लूज ही लेता हूँ मैं क्योंकि ये फ्लेक्सीबल नहीं है, थोड़ा लूज रहती है तो ऑलरेडी वो थोड़ा मूवमेंट करना वगैरह में आसान रहता है। एक और बड़ी अच्छी चीज है इसमें, वो दिखाता हूँ। ये देखो ये बन गई पैंट से तो ये एक और रीजन था जिसकी वजह से मैंने ये ट्रैकिंग पैंट खरीदी थी। विंटर्स में तो नहीं लेकिन समर्स में क्या होता है कि ट्रैकिंग करते हुए बहुत गर्मी लगती है तो ये नीचे का वाला पोर्शन निकाल दो और इसी शॉर्ट्स में ट्रैकिंग करो और शाम को जैसे ठंड लगने लगे तो फिर अटैच कर लो और ट्रैकिंग पैंट बना दो। ये रनिंग शॉर्ट्स हैं और इसमें अच्छी बात ये है कि ये स्ट्रेचेबल है और काफी लाइट वेट है कि कभी योगा वगैरह करते हुए एक्सरसाइज करते हुए ना स्ट्रेचेबल होने चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि ये आसन के पास से फट जाते हैं कई बार। और ये मैंने अराउंड लिया है कितने तक था ये 900। और क्या है इस प्लसमी बैग में? थर्ड चीज जो मैंने ली है आज वो है ये रेसिस्टेंट बैंड। ओके फोर्थ चीज मैंने जो ली है वो है बैडमिंटन और एक कॉक। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आज खरीदी है वो है ये योगा मैट। योगा मैट वैसे मैंने योगा करने के लिए खरीदा लेकिन कई बार होता है कि जैसे हम लोग कहीं बैठे हुए हैं तो जगह नहीं होती बैठने की तो योगा मैट बिछाया उसमें बैठ गए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रैकिंग के लिए वो है मैंने लिया स्टिक, ये है होती। आज तक मैंने कभी इतनी ट्रैकिंग स्टिक यूज नहीं करी, खड़े पहाड़ भी चढ़े मैंने लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा कम बॉडी थकती है करने को, मैं कर लूँ लेकिन तो इससे थोड़ा बस हेल्प मिल जाती है चढ़ने में। तो इसमें अलग अलग लेवल्स हैं, अपनी हाइट के हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ये मेरे को अराउंड पड़ी है 600 की। ये लास्ट मैंने लिया बैकपैक, ये 10 लीटर का बैकपैक है, 200 कितने रुपये, 200-300 रुपये का था ना। तो हल्का फुल्का सामान हम लोग इसमें भी रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अच्छा खाने पीने की जानकारी हो रही है,
तो भाई खाना पीना हल्का होता है ना, एक काम करना तू मेरा ड्रोन लेके चलना, खाने पीने का मैं रख लूंगा, ठीक है गाइस। यही था सामान आज का जो हमने लिया था, बाकी अब काफी खर्चा हो गया आज भी। सो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।